एंड वेरी वार्म वेलकम इन आवर अनदर सेशन ऑफ लॉकडाउन कुकिंग डायरीज। तो आज जो हम बनाने जा रहे हैं वो है हमारा मुर्ग मसालेदार मक्खन वाला। वेरी सिंपल, कुछ ऐसा नहीं इसमें कि कोई ट्विस्ट किया है। ये है, इसमें हमें ध्यान क्या रखना होता है कि इसमें हमारा भुनावट कैसे जा रही है और कितना अच्छे से हम उसको भून रहे हैं। मुर्ग मक्खन वाला हर किसी को पसंद है, पर उसमें लॉट्स ऑफ वाटर इनसाइड, बहुत अच्छा सा मसाले निकल के आते हैं। बट इसमें जो हम यूज करेंगे वो ज्यादा खड़े मसाले नहीं होंगे, ज्यादा उसमें हम गरम मसाले का यूज नहीं करेंगे। सिर्फ मैरिनेशन में जो डाला है हमने थोड़ा सा वही है, उसके अलावा कुछ ऐसा नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट, मैं आपको अपने इंग्रेडिएंट्स दिखाता हूँ। थोड़ा सा इसमें जीरा है, ऑल कोरिएंडर, छोटी इलायची और बड़ी इलायची के सीड्स डाले हुए हैं हमने। नाउ हम चॉप गार्लिक, जिंजर, ग्रीन चिली एंड वो मसाला, फिर मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या क्या है। नाउ वी हैव अ सार कर्ड, होममेड क्रीम, टोमेटोज बॉईल करके प्यूरी बना के रखा हुआ है, एंड देन वी हैव आवर बॉइल्ड अनियन पेस्ट। लजीज तरीके से बनाया है, बहुत ही लजीज तरीके से बनाएंगे। 2 टेबलस्पून, बिग टेबलस्पून देसी घी वी आर एडिंग, बटर, येलो बटर, वी आर एडिंग ओवर होल मसालास, वी आर एडिंग चॉप गार्लिक, ग्रीन चिली। अब इसको भूनेंगे थोड़ी देर। अब आप जैसे देख रहे हैं मसाला एकदम भून चुका है, बहुत बढ़िया सा हो गया एकदम। अब इसमें हम मसाले डालेंगे। इस मसाले में कस्तूरी मेथी, तेगी मिर्च, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा लेंगे। साथ ही में इसमें हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। जो हमने मसाले डाले थे वो भी ऑलमोस्ट पक चुके हैं, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना एंटीबॉडी। ये जो हमने चिकन लिया है ये बेसिकली 4 फुल लैरिनेट के लिए इसमें हमने डाला देगी मिर्च, कलर अच्छा रहता है। देगी मिर्च के साथ हम इसमें डालेंगे कस्तूरी मेथी। ये हम इसको फर्स्ट मैरिनेशन करके रखे हैं 3 से 4 घंटे के लिए प्रॉपर तरीके से। ये हमने इसमें डाला गरम मसाला, होममेड गरम मसाला बना के रखा है जो मैंने अपनी रेसिपी में भी शेयर किया था आपके साथ। और ये जो हम लास्ट में डाल रहे हैं ये होल जीरा पाउडर और कोरिएंडर पाउडर को रोस्ट करके थोड़ा सा मसाला बनाया जिसमें देगी मिर्च और हल्दी को भी डाला हुआ है हमने। ये हमारा मसाला हो गया। अब इसमें थोड़ा सा डालेंगे हम नमक, मस्टर्ड ऑयल पकड़ के ले। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम, देन हम मैरिनेट करके रखेंगे 3 से 4 घंटे। अब हम अपना मैरिनेटेड चिकन डालेंगे। मसाला ऑलमोस्ट हमारा भून चुका है, बहुत ही बेहतरीन खुशबू आ रही है इसमें। इसमें हम डाल देंगे अपना मैरिनेटेड चिकन। ऑलमोस्ट मसाला हमारा भून चुका है, बट चिकन को पकने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। मीनवाइल वी आर एडिंग अ कर्ड। This is almost 50 gram curd we are adding in this, and with that we are adding butter, क्योंकि ये हमारा है मुर्ग मसालेदार मक्खन वाला, मोर बटरी। मसाला चिकन के साथ ऑलमोस्ट पक चुका है, बढ़िया खुशबू आ रही है इसकी। लास्ट में हम डालेंगे इसमें अपनी घर की मलाई। मक्खन वाला है तो थोड़ा सा लेविश तो होना ही चाहिए। वी आर एडिंग बिट ऑफ कोरिएंडर एंड स्प्रिंकल विद सम
लेमन जूस, अब इसको हम रख देंगे ढक के थोड़ी देर।